दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ। तो उस लड़के को कैसे पना ठना है? ये है कौन? चलो मजा आएगा, मीना चलो हमारे साथ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भागो यहाँ से शैतान कहीं के। तारा, क्या बात है तारा? क्या बताऊं, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं 18 साल की हो गई हूँ। शादी? क्या शादी? अरे बाप रे, इन लोगों से? सच मीना, मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये बस पैसे के पीछे हैं, लड़की की बात ही नहीं पूछते। तुम अपने माता पिता से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मीना क्या कहती हो, अम्मा बाबा से शादी की बात? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ओ तारा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं माँ और दादी से कहूंगी, वे सब ठीक कर देंगे। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, बस एक साइकिल और 20,000 रुपए। मेरा भाई ठीक कहता है, मेरा बेटा बाका जवान है, शहर में अच्छा कमाता है। कितने खराब लोग हैं ये, बड़े ही लालची हैं। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहां से? मुझे तो अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अगर तुम दहेज का इंतजाम नहीं कर सकते तो शादी कैसे होगी? इसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अबे ओ लालची, मिठू। और फिर उन्होंने चाचा से बहुत सा रुपया और साइकिल देने को कहा। लेकिन वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। आजकल तो इतना बड़ा दहेज देना आम बात हो गई है। क्या दहेज देना ही होता है? नहीं ऐसा नहीं है, पर आजकल लड़के वाले बहुत दहेज मांगने लगे हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। शाबाश राजू, तुम तो सयाने हो गए। वो कहते हैं ना, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप और माँ मेरी शादी में दहेज दें। ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई दहेज लेने और देने से इनकार कर दे तो ये रिवाज अपने आप बदल जाएगा। तो बोले दहेज न लेना न देना। जाओ जाकर उस बनिए और उसके भाई को ये बताओ। आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। दहेज लेना देना। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में? अरे ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो, तोता ही तो है। तोता? मैं हूँ मिट्ठू। बनिए के यहाँ क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ दादी, आपको कुछ समझ में आया?
ऐसा है? यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं? लालची। चलो तारा को बताएं। बताओ ना तारा, वो लोग बहुत खराब है। वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने सुना। साइकिल आप, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर आप लोग सुनिए तो जरा, शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल आप, मोटरसाइकिल बांट रहे। हम कहाँ से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दहेज न लेना न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है? मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आम तौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है, इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। दहेज ना लेना ना देना। मिट्ठू ठीक कहता है, मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों, हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा, आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज ना लेना ना देना। ना लेना ना देना। और क्या कहना है? तो क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी। हाँ हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो चलो, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ, चलो, और बहुत सी लड़कियाँ हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह मैं तो चला, यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं बुलानी है। बीमारी
बढ़ाओ उनको, सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों।